आशीष जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और रीति का यहाँ पर लाया, उसकी एक नई पॉलिसी तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत ज्यादा अभ्यास है, तो आपका मार्गदर्शन उस पॉलिसी में हम लेंगे। आपने जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स को भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे। और निश्चित रूप से मैं अभी अभी आशीष जी को पूछ रहा था कि हमने आपको रीति घाट देने की बात कही थी तो उसका क्या हुआ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने कहा मैं पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूं लेकिन टीपी इश्यू नहीं होती। तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अगर एमएसएमसी को नहीं मिलती है तो ये तो ऐसे जितने अधिकारी हैं उनको घर पे ही बैठाना पड़ेगा। अगर हमारे सरकार के उपक्रम को कोई यहां पर जो जीआर हमने निकाला उसका पालन नहीं होता होगा, आशीष जी आप तो पुराने अनुभवी, हमने साथ में काम किया है, आप चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो आप क्यों चुप बैठे हो? बस सबके नाम दे दो, सबको घर बैठाऊंगा, ये चलेगा ना? ये सरकार बदलिए समझ नहीं आना चाहिए। ये सरकार कोई पैसे खाने वाली सरकार नहीं है, हम लोग कोई धंधा करने वाले सरकार नहीं है। ये जो सारा रेती का व्यवहार, ये कुछ मिनिस्टर और जनप्रतिनिधि मिलकर जो काला बाजार कर रहे थे, हमको नहीं चलेगा, हमको नहीं चाहिए। हम उसमें से एक पैसा हमको चाहिए नहीं, एक एक पैसा जो सरकार का है, जनता का है, सरकार की तिजोरी में ही जाएगा और उसमें जो करेगा, मैंने अभी अभी आपने देखा होगा जो सारे व्यवहार करते थे सबको जेल में डालना शुरू किया, और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको जेल में डालूंगा। क्योंकि इस प्रकार से अगर हमारे एनवायरमेंट को पूरे तरीके से खराब करते हुए, हमारी नदियों को खोद खोद कर और एक नया पैसा सरकार को न देते हुए इस प्रकार का व्यवहार होता होगा, तो वो लोग भी सुन ले उन्होंने आज तक क्या किया है, वो किया है, इसके बाद करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस की कार्रवाई भी होगी, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जरूर आने वाले दिनों में ये जो रेती का मसला है इसको भी हम लोग ठीक से सुलझाने का प्रयास करेंगे।